वाली फोकट क्या कह रही है पहले सुन लेते हैं। पे कैसे कह सकते हैं दो, बिल्कुल पीछे के पायदान पे कैसे कह सकते हैं, दो ही राउंड हुए, अभी 13 राउंड है तो अभी 11 राउंड बाकी है। क्या उम्मीद की जा रही है? जनता ने मुझे स्वीकार कर लिया है और बीजेपी ने मुझे यहाँ की जिम्मेदारी दे के भेज दिया है, तो हमेशा आदमपुर में ही रहने वाली हूँ। ये इसलिए कॉन्फिडेंट हूँ, काम करूंगी लोगों के बीच में, स्वीकार आज नहीं तो कल कर ही लेंगे और मुझे लगता है मुझे स्वीकार कर चुके हैं। तो अब तो कुलदीप जी को भी मतलब एहसास हो गया है कि अब तो रहना ही पड़ेगा, असली मायने में जो विधायक काम करता है करना ही पड़ेगा, वो चाहे हारे फिर भी वो जनता के बीच में रहेंगे, इस बार मेरा दावा है, क्योंकि ये हमारी मेहनत का परिणाम है और हमने अपनी मेहनत के बलबूते पे ये दिखा दिया है कि अगर कोई चुनाव लड़ता है राजनीति में आता है तो उसको सेवक बनना ही पड़ता है, जनता के बीच में रहना पड़ता है। और ये आप सब लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी सेवा के माध्यम से जरूर यहाँ की विधायक बनूंगी।